और ये देखिए कितने सुंदर लोकेशन में बना हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आशीष डोबरियाल, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और इस समय मैं आ रखा हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, टाइमिंग से 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। टू विजिट नियर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर सीरीज़ की यह चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है। एक का नाम हनुमान धाम है, दूसरे का नाम गर्जा मंदिर है और तीसरे का नाम है कॉर्बेट फॉल, जिसका मैंने YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर जाइए। और ये कॉर्बेट म्यूजियम के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो आप पढ़ सकते हो। और ये सामने एंट्री गेट है। और यह है विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक के बीच में ही खुला रहता है और बाकी समय ये बंद रहता है मानसून की वजह से। तो ये खुलेगा आपका 15 नवंबर को और 15 जून तक ये ओपन रहेगा। ये सामने टिकट काउंटर है, तो सबसे पहले हम लोग चलकर टिकट ले लेते हैं कॉर्बेट म्यूजियम का। ये हमने टिकट ले लिया और ये कॉर्बेट म्यूजियम का एंट्री गेट है। और ये सामने LED लगा हुआ बड़ा सा। जहाँ आपको ऐसा एहसास होगा कि आप वाकई में जंगल में हैं। और ये आप सामने जो कुछ देख रहे हो ये 40-50 साल पुरानी है। 40-50 साल पहले ये जिंदा हुआ करती थी, फिर जब इनकी मौत हुई तो इनके खाल निकाल कर उसमें स्टफिंग कर दी गई केमिकल के साथ स्टफिंग कर दी गई ताकि इनकी खाल सड़े ना। और ये जो आप सामने देख रहे हो इसकी मौत कब हुई थी उसके बारे में सारी जानकारी नीचे रखे प्लेट में दी हुई है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस प्लेट में दी गई जानकारी को पढ़ सकते हो। और दीवार में टंगे इस प्लेट में इस जगह का इतिहास लिखा हुआ है। और ये सामने नेचर शॉप बना हुआ है।
और ये सामने गिफ्ट पैक बना रखे हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट्स देने हो तो आप गिफ्ट्स दे सकते हो, ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा हुआ गिफ्ट पैक। सो फाइनली कॉर्बेट म्यूजियम घूमने के बाद कहना चाहूँगा कि वाकई में मज़ा आया। कि अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।